हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह आज का व्लॉग का शुरुआत हो रही है और जो क्लिप आप लोगों ने देखा पहले वो क्लिप था कल का, यानी कल शाम का। और कल शाम में कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं बना रही थी, तो इसके वजह से कल रेस्ट डे था। कल था क्या, वेडनेसडे। कल वेडनेसडे था, आज है थर्सडे। तो कल के बाद जो नज़ारा हो चुका है ना, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी ग्रीनरी, जितना भी पौधों के ऊपर धूल मिट्टी और ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको सामने में, जितना धूल मिट्टी था सब कुछ निकल गया है। मैं तो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिख रही हूँ, बट ये पौधे बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट दो बालकनी का जो हालत है ना, ये बालकनी थोड़ा सा सही है, बट दूसरे वाला जो बालकनी मैं आपको दिखाऊंगी अभी, बहुत खराब हो चुकी है क्योंकि पूरा मिट्टी विट्टी हो चुका है। ये जो मेरा प्लांट है ये काफी ग्रो कर चुकी है। यहाँ पर ये देखिए कितना बड़ा है ये, और ये इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इसका इंग्लिश नहीं मुझे पता नहीं है। और ये भी प्लांट मैंने इस तरह से एक रूट से ही लगाया था और ये कितना हो चुका है। ये भी प्लांट में बहुत सुंदर सुंदर सा फ्लावर आता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिंक कलर का फ्लावर होने वाला है। तो बहुत सारा कुछ पौधे यहाँ पर बहुत सारा कुछ फ्लावर यहाँ पर खिलेगा। और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ धनिया, कुछ यहाँ पर हम लोगों ने पालक लगाए हैं, यहाँ पर सनफ्लावर और यहाँ पर मिंट। तो एक ही मिंट आई थिंक बचेगा और बाकी का हालत यहाँ पर नहीं है, तो एक मिंट बच गया फाइनली। तो हस्बैंड जब लगाते हैं ना थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा जबरदस्ती करके लगा देते हैं, तो इतना ज़्यादा फर्टिलाइट नहीं हो पाता है जो पौधा है। टाइम हो रही है अभी 8:30, में कुछ भी काम नहीं किया है, सुबह सुबह सिर्फ एडिटिंग और थोड़ा सा पानी फानी पिया, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करती हूँ क्योंकि शाम के टाइम पर ही मेरा जो फुल वर्कआउट होता है वो रहता है। कल इतना पसीना मैंने निकाला है ना अपने बॉडी से, बहुत हल्का लग रही है आज और बहुत पसीना हो गया था। सिर्फ 35 मिनट से जाऊंगी अभी किचन में, चलो किचन में चलते हैं क्योंकि किचन का हालत तो ठीक है किचन का, बट बालकनी का हालत ठीक नहीं है। इसको मुझे आज साफ करना है। ये देखिए पूरा मिट्टी विट्टी होके किस तरह से रहा है, क्योंकि जब तक मैं इसको साफ नहीं कर पाऊंगी ना तब मैं बाहर नहीं जा सकती, और बाहर अगर नहीं जाती हूँ तो मेरे पौधों मुझे बहुत याद आते हैं, तो इसकी वजह से जल्दी से उसको क्लीन करना है। चलिए जल्दी से सब काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ मेरे पौधों के साथ मिला। तो आज होगा डोसा, तो यहाँ पर डोसा को मैंने फर्मेंटेड होने के लिए रख लिया था और ये अच्छे से फर्मेंटेड हो चुकी है। घर में ही बैटर बनाने से अच्छा है, क्योंकि बाहर वाली जो बैटर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कितना दिनों का होगा क्या होगा मुझे पता नहीं है, कभी भी मैंने आज तक बाहर वाली यूज नहीं किया है। तो ये 1 कप उड़द दाल और 3 कप राइस और थोड़ा सा पोहा मैंने डाल दिया था, बस हो गया है ये। हाँ थोड़ा सा मेथी भी डाला था। तो ये हो गया है हम लोगों का डोसा बैटर, अच्छे से फर्मेंटेड हो चुकी है। और कल एक बॉयल हुआ था, तो ये एक का जो बॉयलर है वो बहुत ही ज्यादा गंदा पड़ा है, उसको साफ करने के बाद में रखूंगी क्योंकि हार्ड वाटर होता है ना, तो ये छोटे छोटे जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना हार्ड वाटर स्टेन है। और ये इसके बारे में आप मुझे पूछ रहे थे, तो आप ले सकते हो इसको, अमेजन से हम लोगों ने लिया था, 400 समथिंग का था, बहुत अच्छा है। इसके ऊपर आपको एक ट्रे मिल जाता है और एक ढंकन मिल जाता है। और ये है मेरी छोले जो कि कल रात को ही मैंने भिगो के रखा था आज के लिए, क्योंकि आजकल सब्जी बनाना बहुत टफ लगती है। चटनी मिंट पुदीना मिंट धनिया और टमाटर प्याज लहसुन की चटनी, मैंने इसमें तड़का भी लगा दिया है। ये है डोसा
और यहाँ पर दूध भी बॉईल हो चुकी है, यहाँ पर चना बॉईल हो रही है। बारिश जब होती है ना बहुत अच्छा लगता है कि चलो बारिश हो गया, फाइनली गर्म भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, क्लाइमेट भी सही रहेगा और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बट हालत ख़राब हो जाती है इन सारी क्लीनिंग करने में। और उसके बाद मेरा जो डेली क्लीनिंग रहता है बेड के ऊपर क्लीन करना, ये बेड ना बहुत ही पुराना है, मीन्स शादी के बाद ही हम लोग खरीदे थे और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, तो इसको थोड़ा सा पोछ पाछ के रखना पड़ता है, नहीं तो डस्ट वस्ट वहाँ पर जम जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में क्योंकि मुझे बनाना था छोले। बहुत ही सिंपल सा छोले का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस ऑयल डाला है, ऑयल में मैंने थोड़ा सा तेज पत्ता लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है। अच्छे से उसको भूनने के बाद मैं डाल दूंगी प्याज। प्याज को अच्छे से भून लूँगी जब तक ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर और लहसुन को अच्छे से पीस लिया था, उसका प्यूरी बना लिया था, वो डाला है। अच्छे से उसको मिक्स कर दूंगी, जब ये तेल छोड़ने लगेगा तब मैं सारे ड्राई स्पाइसेस डालूंगी। ड्राई स्पाइसेस में मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और साथ ही साथ छोले मसाला। बस इतना ही स्पाइसेस मैं यूज़ करूँगी। और एक मेरी सब्सक्राइबर है, वो पूछ रहे थे कि मैं चिली जो है बहुत यूज़ करती हूँ। मैं आपको बता दूँ, चिली के लिए मैं हमेशा कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ करती हूँ ताकि जो करी का कलर है वो अच्छा आए और तीखा भी ना लगे, क्योंकि आंजल बिल्कुल भी तीखा नहीं खा पाती है। तो यहाँ पर सारे ड्राई स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने आलू बॉईल करके रखा था, एक उसमें डाल दिया है और दो आलू मैंने रख दिया है, बाकी कब काम आ जाएगा क्योंकि बॉयल आलू बहुत ही ज़्यादा काम आता है। उसके बाद छोले डाल दिया है और पानी डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर लूँगी और एक उबाल आने तक पकाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी छोले पक चुका था तो ज़्यादा मैं उसको पकाऊंगी नहीं। और बाद में उसमें धनिया पत्ता डाल सक हेलो एवरीवन, तो रात का बज रहे हैं 8 और अभी जाके आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ क्योंकि हम लोग एक मिशन पे लगे थे। वो मिशन क्या है आप सभी को पता होगा कि आज राधे रिलीज हो रहा है, मीन्स हो चुका है G5 पर। बट हम लोगों का जो सब्सक्रिप्शन है ना वहाँ पर मंथली सब्सक्रिप्शन है और राधे प्ले नहीं हो रही थी, तो हम लोग कैसे कैसे करके फाइनली बहुत सारा मीन्स क्या बहुत सारा ताकत वाकत लगा के फाइनली राधे का बहुत ही अच्छा वाला HD प्रिंट हम लोगों को मिल चुका है। 8 बज रहा है तो मेरा टारगेट था 8 से 10 मूवी को एंजॉय करने के लिए, बट आई थिंक ये 9 हो जाएगा क्योंकि मुझे कुछ खाने के लिए बनाना है, उसके बाद हम लोग राधे को एंजॉय करेंगे। तो आज होगा मूवी टाइम और वो मैं क्या बनाने वाली हूँ वो आपको शेयर करूंगी। तो पीछे बैकग्राउंड बाप बेटी का प्यार चल रही है क्योंकि सबका मन खुश हो चुका है, बहुत ढूंढने के बाद हम लोगों को मिला। तो चलिए फाइनली बनाते हैं कुछ नया। तो यहाँ पर आज बनाऊंगी पोटैटो नॉगेट्स जो कि बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने तेल ले लिए है, तेल में थोड़ा सा गार्लिक को कूट के यहाँ पर डाल रही हूँ। बहुत सारा गार्लिक मैंने ले लिया है क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आप चाहे तो इसमें ओरिगानो भी डाल सकते हैं अभी, बट मैंने बाद में डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी ले लिया है और 1.5 कप पानी में मैंने 1 कप यहाँ पर राइस फ्लोर डाल दूंगी, यानी चावल का आटा, बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, स्वाद अनुसार नमक। बस राइस फ्लोर डालने के बाद आपको अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है ये डो, तो उसकी वजह से फ्लेम को लो करके आप अच्छे से उसको मिक्स कीजिए। ये जब एक डो फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद मैंने लीड लगा के कवर करके अच्छे से 5 to 10 मिनट्स के लिए उसको रेस्ट दे दूंगी। तो जब तक वो डो ठंडा हो रहा था मैंने पॉपकॉर्न भी बना लिया और साइड बाई साइड हस्बैंड जो है थोड़ा सा कैप्सिकम और ओनियन को थोड़ा सा दही में, जिस तरह से हम लोग तंदूरी बनाते हैं ना उस तरह से, वे तवा में फ्राई कर रहे थे, उनको अच्छा लगता है बट मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने आलू को भी ग्रेट कर लिया था और उसमें आटा भी मिक्स कर लिया है और उसमें मैं डालूंगी 2 टीस्पून करीबन यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाला है। उसके बाद थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर डाला है चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो।
अच्छे से उसको मिक्स कर दूंगी। और इसमें ना मिक्स करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि हाथों को ये बहुत ही ज़्यादा मीन्स चिपक जाता है, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला है। ऑयल डालने के बाद ये अच्छे से एक डो हो जाएगा, उसके बाद आपको गोल गोल करके अच्छे से तेल में फ्राई करना है। बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पर ये फ्राई हो जाता है, तो मीडियम फ्लेम में आप इसको फ्राई कर सकते हो और उसके बीच में आप चीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने बाद में ट्राई किया था बट जल्दबाजी में मैंने सैर करना भूल गई, बट आप अगर चीज़ डालते हो तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, स्पेशली बच्चों के लिए। तो नॉर्मली हम लोगों का फ्राइडे नाइट इस तरह से होता है, बट आज थर्सडे था फिर भी राधे मूवी देखने के चक्कर में ये सब हो गया। और ये देखिए पोटैटो नगेट्स बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा लगा और एंजल को भी बहुत पसंद आया। और ये है हस्बैंड का थाली, क्योंकि आज थर्सडे है, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, वो खाते हैं, तो वो एक ले लिए है और पॉपकॉर्न और नगेट्स हम माँ बेटी खाएंगे। हमारा काम अभी ख़त्म हो चुका है और अभी मैं करूँगी खुद को थोड़ा सा पैम्परिंग। पैम्परिंग के लिए मैं करूँगी थोड़ा सा पेडीक्योर। पेडीक्योर से नाम से आपको पता ही होगा, मैं कभी भी अपना फूड को केयर नहीं करती हूँ और मेरी तरह आप भी इस तरह से करते होंगे। मेन हो या वुमेन हो, हम लोग हमेशा अपने फेस पे नेक पे ध्यान देते हैं, बट पैरों की इम्पोर्टेंस तो जानते हैं बट उसको केयर नहीं करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपना घर पे ही कुछ पेडीक्योर की टिप्स फॉलो करूँगी। जो सारा प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, पैराबिन फ्री है, केमिकल फ्री है। मैं आगे जब आपको दिखाऊंगी चार स्टेप मैं यहाँ पर फॉलो करने वाली हूँ और जितना भी सारा प्रोडक्ट दिखाऊंगी वो इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा आपको, तो घर बैठे ही आप ये सारा प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है बॉकेट भर के पानी आपको चाहिए, एक टावल चाहिए और थोड़ा सा हॉट वाटर और एक टावल चाहिए, मीन्स दो टावल, और उसके बाद आपको चाहिए एक बकेट भर के पानी। पहला जो स्टेप है वो है क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये डॉक्टर फूड एप्सम सॉल्ट पेपरमिंट फूड सोप। तो ये क्या करता है, आपकी जो बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ जिंदगी में जब भी आप बाहर जाते हो या घर पे ही बहुत सारा काम करने के बाद जो पैरों का हालत होता है उसको रिलैक्सेशन देता है। आपकी पैरों में जितना भी बैक्टीरिया है और जितना भी फंगस है वो सब ये सोख कर देता है और यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। बकेट में जितना पानी आप लेते हो आपके पैरों के हिसाब से, उसमें आप 4 to 5 स्पून आप डाल सकते हैं। उसके बाद सोख करके अपनी पैरों को अच्छे से 15 to 20 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कितना सारा डर्ट और कितना सारा बैक्टीरिया इसमें सोख हो गया है। और ये जो डॉक्टर फूड का प्रोडक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है और उसके साथ साथ बहुत ही चुने चुने इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ किया गया है। इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ किया है इसमें मैग्नीशियम सल्फेट है, इक्लिप्स ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है और पेपरमिंट ऑयल है। ये जो सारे ऑयल्स है ये बहुत ही अच्छे से सूथिंग सा इफेक्ट देता है, बहुत ही अच्छे से फ्रेग्रेंस भी होता है, तो इसका फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सेकेंड स्टेप में करूँगी एक्सफोलिएट। सोक करने के बाद आप अपनी टॉवल से आप अच्छे से पैरों को साफ कर सकते हैं। साफ करने के बाद थोड़ा सा हाथों में इस तरह से स्क्रब लीजिए। ये जेल फॉर्म में आता है तो ईजिली स्किन पे लग जाता है। उसके बाद आप आराम से आप सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अपनी पैरों को अच्छे से मसाज दे सकते हैं। अबाउट टू 5 मिनट्स आपको स्क्रब करना है, जितना भी डेड टिश्यू है वो सब यहाँ पर निकल जाता है। अगर आपके एडी में क्रैक्स वगैरह है वो भी क्लीन हो जाता है। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी यहाँ पर एक हॉट टॉवल लीजिए, यानी गर्म पानी में एक टॉवल को अच्छे से भिगो के रखिए और उसके बाद स्क्वीज करके उसको वाइप आउट कर दीजिए। बहुत ही अच्छा काम करता है ये जो एक्सफोलिएट, आपकी बहुत सारे डेड सेल को ये निकाल देता है और उसके साथ साथ आपकी स्किन में जो टैनिंग हो जाता है, स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा अनइवन हो जाता है, उसको लाइटन भी करता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है इक्लिप्स ऑयल, आलमंड ऑयल, टी ट्री ऑयल। और उसके बाद आता है हम लोगों का खास स्टेप पे जो कि है मॉइस्चराइजर, क्योंकि एक्सफोलिएट करने के बाद स्किन थोड़ा सा ड्राई भी हो जाता है, उसके बाद मॉइस्चराइज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये डॉक्टर फूड का रिपेयर क्रीम। ये क्रीम जो है इतना अच्छा है मैं आपको बता नहीं सकती। थोड़ा सा ही आप लेके अपने पैरों को अच्छे से मसाज दे सकते हैं। मसाज आपको किस तरह से करना है, जिस तरह से आप नॉर्मली फेस पे क्रीम लगाते हैं उस तरह से अपने पैरों में भी क्रीम लगा लेना है और अबाउट टू 10 मिनट्स आप इस तरह से मसाज कर सकते हो।
हो, और उसके बाद आप अगेन हॉट टॉवल से उसको वाइप अप कर सकते हो। ये जो क्रीम है ये आपकी जो क्रैक हिल्स है उसको स्मूथ करता है, बहुत ही ज़्यादा अगर पेन होता है आपकी फीट में उसको भी रिलीफ देता है, और उसके साथ साथ बहुत सारा जर्म्स और हार्मफुल इन्फेक्शन से भी ये आपको बचाता है। और इंग्रेडिएंट की अगर बात करूँ, इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छा है इसमें, लेमन ग्रास ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, पेपरमिंट ऑयल है और विटामिन ई ऑयल भी है, बहुत ही अच्छा नेचुरल है। उसके साथ साथ ये जो सारा प्रोडक्ट है ना ये पैराबिन फ्री है, कुछ भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया गया है। और उसके साथ साथ अभी आते हैं फोर्थ स्टेप पर। फोर्थ स्टेप जो है इसमें मैं यूज़ करूँगी डॉक्टर फूड स्प्रे, क्योंकि पूरा सारा काम ख़त्म होने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छी वाली एक स्प्रे की ज़रूरत है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स देगा उसका फ्रेगनेंस से। अगर आप बाहर जाते हैं शूज़ वगैरह पहनते हो तो बहुत सारा ऑर्डर भी हो जाता है, तो ऑर्डर को थोड़ा सा अच्छा वाला फ्रेगनेंस देने के लिए आप ये स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। पैरों को ड्राई करने के बाद इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं, और बहुत सारा जो ऑर्डर होता है, बैक्टीरिया होता है, वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाता है और आपको एक फ्रेश और क्लीन स्मेल मिलता है। और ये बिल्कुल भी हार्मफुल केमिकल्स फ्री है, तो आप बेफिक्र करके यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट है इसमें लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल है, उसके साथ साथ टी ट्री ऑयल भी है। और इसको मैंने कहाँ से लिया है इसका सारा परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसको आप डॉक्टर फूड के वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, अमेजोन पर चेक कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर चेक कर सकते हैं, नाइका पे और वाम एमजी में भी ये अवेलेबल है। तो सारा जो डिटेल्स है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर एक बार जाइए। उसके बाद पूरा काम ख़त्म करके हम लोग बैठ गए थे मूवी देखने के लिए। हस्बैंड का ऑफिस का भी कल छुट्टी था, कुछ ईद वगैरह था, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा लेट में मीन्स सोने के लिए गए थे। और एंजल भी हम लोगों के साथ एंजॉय कर रही थी, उसको बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये सब जो हो जाता है ना उसको पढ़ाई करनी नहीं पड़ती है, मामा की डांट भी नहीं सुननी पड़ती है, तो वो बहुत एंजॉय करती है। तो चलिए फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। पोटैटो नगेट्स का रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, स्पेशली थोड़ा थोड़ा ठंडी ठंडी मौसम में। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।